हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे इंजन ऑयल कौन सा डालें। अभी मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, बट मैंने देखा तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसमें लाखों वीडियो पड़ा हुआ है जिसपे अपना अपना कोई भी बाइक रिलेटेड वीडियो तो नहीं डाल रहा, जस्ट अपना अपना एक सब डाल रहे हैं कि सिस्टमेटिक क्या है, कौन सा ऑयल डालें, ये सब अपना इम्प्रूवमेंट डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करने के दोस्तों, आज इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑयल डालें आप। जैसे आप देखेंगे जो ओल्ड बाइक थी उसमें 10W40 था, जैसे जो A5 वेरिएंट नहीं थी, मतलब BS6 बाइक नहीं थी, उसमें 10W40 दिया था कंपनी ने जो रेफ़र करके, एंड अभी इसमें दिया है 10W30। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 10W30 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोग ये समझते होंगे कि जो कंपनी का बाइक है उसी कंपनी का ऑयल डालेंगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज नहीं बेहतर रहेगा। तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कंपनी का ऑयल ना डाल के, जैसे हीरो कंपनी का, हीरो कंपनी का ऑयल बनाया है, हीरो कंपनी के ना डाल के किसी, जैसे अदर कंपनी हो गया, मतलब अदर कंपनी मतलब एक्टिव हो गया, CRB हो गया, एंड मोटूल हो गया, क्या नाम, सर्वो हो गया, ये सब ऑयल जो है अदर कंपनी के हैं। लेकिन जो हीरो कंपनी ऑयल बनाती है या बजाज कंपनी जो ऑयल बनाती है वो DTSI बनाती है, बजाज कंपनी, हीरो ये बनाता, होंडा का ऑयल अलग है, सबका अपना अपना कंपनी की एक ऑयल है जो कंपनी का बाइक रेफर करती है। तो अब लोग तो परेशान हो जाते हैं और अपना ओपिनियन सारे लोग शेयर करते रहते हैं। जैसे मेरे पास, मेरा कोई वीडियो देखा तो मैं क्लियर डिसीजन नहीं लेके एंड अपना ही रेफर डाल दिया उसमें, अपना इम्प्रूवमेंट डाल दिया, जैसे मेरे साथ जो भी घटना हुआ वो डाल दिया। ये नहीं वो जानता कि मतलब जो कंपनी ने बाइक रिकमेंड करी, वो कंपनी का जो ऑयल वो रिकमेंड किया, ये नहीं समझते। देन आपको क्या करना दोस्तों, इस वीडियो में आप अगर प्रॉपर अभी यहाँ तक पहुँच गया तो प्रॉपरली जानकारी हो जाएगी कि हमें कौन सा ऑयल किस बाइक में डालना है, अगर आपको कंपनी चेंज करना तो प्रॉपरली क्या चेंज कर पाएंगे। देखो दोस्तों, ये अगर हीरो कंपनी का आपके पास HF स्प्लेंडर प्लस V6 है तो उसमें देखो एक चीज़ तो मायने रखता है, अगर 10W30 दिया तो आपको 10W30 ही डालना है, बट आपको वही दिक्कत आ रही थी कि हीरो कंपनी मुझे नहीं डालना, नहीं डालना यार, एक्टिव डाल दे, 10W30 से एक्टिव डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10W40 डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 10W30 डालोगे तो कंपनी के जो खिलाफ आप वो नहीं जाओगे, कंपनी ने जो रिकमेंड आपको किया आप उसी दायरे में बधे रहोगे। तो मेरे कहने का मतलब वही था दोस्तों, आप किसी भी कंपनी डालो, मैं हाँ, अब एक चीज़ और आता है यार दोस्तों कि मिनरल डालो कि सेमी सिंथेटिक डालो या फुल्ली सिंथेटिक डालो। मिनरल जो होता है वो उसको लोग थर्ड सोचते हैं, एंड एकदम जो फर्स्ट जो का सोचा जाता है बढ़िया एकदम, वो फुल्ली सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब ये दोनों का मिक्स होता है, सेमी सिंथेटिक ये मुझे तो सेमी सिंथेटिक मतलब नॉर्मली ऑयल है, बट अगर आपको डालना है तो फुल्ली सिंथेटिक डाल सकते हो, लेकिन हैवी राइडिंग की वजह से, जैसे आप बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हो, बहुत तेज बाइक चलाते हो, आप राइडिंग ज़्यादा करते हो तो आप जो है फुल्ली सिंथेटिक डाल सकते हो। अगर आप गाँव में रहते हो, गाँव में तो एक्टिव डाल सकते हो, लेकिन मेरे कहने के मेरा अगर एक मेरा अपना ओपिनियन डालो तो मैंने एक्टिव का 10W30 डाला था तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, एंड उसके पहले जो मैंने हीरो कंपनी मेरे पास चेविलेक्स है और मैं जब उसके पहले डाला था इंजन ऑयल तो मुझे जो उसके गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम एंड जो चलने के बाद नॉइस रिलीज होता है इंजन से वो ज़्यादा था, एंड अभी जो मैंने इसमें शिफ्ट किया एक्टिव में 10W30 वाले में, एंड उसमें जो परफॉर्मेंस वो बढ़ गया। तो मेरा ये अच्छा अपना ओपिनियन है, लाइक ये बेटर है कि जो हीरो से बेहतर ऑयल अपने पास तो है, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डाल सकते हो कि नहीं, एकदम बेहिचक डालिए, कंपनी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हीरो का मुझे विश्वास उतनी बढ़िया नहीं है, हीरो जो भी कंपनी बनाती है वो ऑयल लूज करके बनाती है, वो क्या करती है उस ऑयल में जो है कमियाँ वक्त छोड़ देती है, ऐसा नहीं करने का। आप अपने हिसाब से कोई भी सर्वो का ऑयल 10W30 डाल दें, 10W40 डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑयल के चक्कर ना पड़े, जो आपको पसंद लगता वही ऑयल डालें, लेकिन ग्रेट आपको ध्यान रखें जिस भी कंपनी का आपको अच्छा लगता। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, नहीं मैं बनाता हूँ, आपको जो भी मन के, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो भी इच्छा के वही ऑयल आपको डालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं या तो मेरा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, जस्ट आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा कौन से एंजल डाले। 9 बजे से 5 बजे तक आप कॉल कर पाएंगे, एंड सिर्फ संडे को।
सिर्फ संडे को। अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो कभी कॉल कर सकते हैं 9 से 6 बजे तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपका स्वागत करता हूँ।